जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मांग के मुकाबले पर्याप्त सप्लाई और चालू खरीफ सीजन में बुआई बढ़ने की वजह से आने वाले दिनों में सोयाबीन के दाम में कमजोरी का रुझान बना रह सकता है। आगामी समय में सोयाबीन का भाव लुढ़क कर 5500 रुपये प्रति क्विंटल के निचले स्तर पर आ सकता है, यानी मौजूदा भाव 6250 रुपये से कीमतों में 750 रुपये की गिरावट आ सकती है। ओरिगो ई मंडी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर के मुताबिक आगामी हफ्तों में देश की सोयाबीन की प्रमुख मंडी इंदौर में सोयाबीन का भाव 6000 रुपये से 6542 रुपए के दायरे में कारोबार करता दिख सकता है। बता दें, मौजूदा स्तर से सोयाबीन का भाव 6000 रुपए तक लुढ़कने के बाद 5500 रुपए के निचले स्तर को भी छू सकता है। साथ ही अगर सोयाबीन की आगामी नई फसल के दाम की बात करें तो भाव 5000 रुपए प्रति क्विंटल पर खुल सकता है। बता दें कि 31 जुलाई 2022 तक देश भर में सोयाबीन की बुआई 114.70 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2.5% और पिछले 5 साल की समान अवधि की सामान्य क्षेत्रफल के औसत 13.7% ज़्यादा है। साथ ही सोयाबीन की पर्याप्त सप्लाई और क्रूड पाम ऑयल यानी CPO की कीमतों में कमजोरी को देखते हुए वैश्विक बाजार में सोयाबीन की कीमतों में ज़्यादा तेज़ी के आसार कम है। फसल खराब होने की खबरों से घरेलू बाजार में सोयाबीन को कुछ सपोर्ट मिला है, लेकिन फसल को कितना नुकसान हुआ है अभी ये कहना जल्दबाजी हो सकती है। वहीं सरकार के ताज़ा बुआई के आंकड़ों के मुताबिक सोयाबीन की फसल की प्रगति अच्छी है। सोयाबीन की फसल की वास्तविक स्थिति अगस्त के आखिर में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि किसान नुकसान वाले क्षेत्रों में फिर से बुआई शुरू कर चुके हैं। क्रूड सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी ऑयल पर आयात शुल्क को खत्म करने, इंडोनेशिया और मलेशिया से CPO और पाम ऑयल की ज़्यादा सप्लाई की उम्मीद, मिल्स और स्टॉकिस्ट की ओर से सोयाबीन और सरसों की कमजोर मांग और सूरजमुखी ऑयल के आयात में बढ़ोतरी भी सोयाबीन की कीमतों में गिरावट के कारण बने हैं। वहीं नकारात्मक क्रश मार्जिन की वजह से मौजूदा भाव पर सोयाबीन और सरसों की पैराई की गतिविधियां तक संगत नहीं है। सप्ताह के आखिरी में भारी बारिश के बजाय न्यूनतम से लेकर छुटपुट साप्ताहिक बारिश होने का अनुमान है। भारी बारिश के बाद होने वाली ये हल्की बारिश सोयाबीन की फसल के लिए अच्छी है क्योंकि खेतों का पानी जमीन पर सोख लेगी। बता दें कि सोयाबीन भारत की प्रमुख तिलहन फसल है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। इस समय सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बता दें 4300 रुपये प्रति क्विंटल है। पिछले साल यानी 2021 में सोयाबीन 10000 रुपये प्रति क्विंटल तक के दाम पर बिका था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।